नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं सिरिंज लैंप। तो इसके लिए हम लोग एक चार्जर का कवर हमने ले लिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो, पुराने वोल्ड चार्जर का ले सकते हो। उसके बाद एक होल्डर चाहिए होगा जो कि आपको 15-20 रुपये में आसानी से, मतलब ये कसना वाला होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग होल्डर को जो है प्रॉपर तरीके से उसमें बैठा सके, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और इस कवर में हम लोग होल्ड करेंगे होल्डर के साइज़ के हिसाब से। यहाँ पर मैं मार्किंग मार्कर और इसको जो है होल्ड कर ले रहा हूँ। तो इसको जो है देख सकते हो यहाँ पर हमने होल कर लिया है ताकि इसको हम लोग बैठा सके इसका अंदर। उसके बाद कुछ टर्मिनल चाहिए होगा जो कि होल होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जगह पर आप 3 प्लग सॉकेट का भी यूज कर सकते हो या 2 प्लग सॉकेट का भी यूज कर सकते हो। तो इसमें हम लोग जगह जगह होल कर देंगे, इसको बैठा देंगे, ठीक है। चार ही हम लोग बैठाएंगे क्योंकि इसमें एक जगह सीरीज लैंप चेक होगा और दूसरी जगह हमारा होगा वो 220 वोल्ट डायरेक्ट हमारा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चार जगह पर इसको बैठाएंगे। तो मैं होल करके इसको जो है बैठा ले रहा हूँ। वीडियो थोड़ी फास्ट है पर आप लोगों को पूरी तरीके से मैं समझा कर ही अब बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हो तो हमने सारी चीज़ को कस लिया हुआ है। उसके बाद स्विच वगैरह भी बैठा लिया। कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 टर्मिनल को हमने तो देख सकते हो हमने होल्डर में डाल दिया है और 220 वोल्ट हमारा जो इनपुट आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 2 टर्मिनल पर भी सोल्डिंग करके उसके बाद यहाँ पर हमने कस दिया हुआ है। यहाँ पर देख लो अच्छी तरीके से देख सकते हो हमने किस तरीके कनेक्शन किया है। उसके बाद आगे जो है होगा वो आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये पार्ट जो हमने काट दिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने जो टर्मिनल वाले जो सोल्डिंग किए हैं वो काट दिया हूँ, तो गलती से हमको कट गया वीडियो एडिटिंग के टाइम में। तो उसके बाद एक होल्डर के वायर को हम लोग काट कर स्विच में सोल्डिंग कर देना होगा और दूसरे वाले वायर को उसके साइड में सोल्डिंग कर देंगे लोग, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर। देख लो यहाँ पर किस तरीके से हमने सोल्डिंग कर दिया है। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सा भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। उसके बाद एक वायर हम लोग को चाहिए होगा, उसमें हम लोग नेक्स्ट टर्मिनल में सोल्डिंग करेंगे। दोस्तों इसको इसमें सोल्डिंग करने के बाद जो है मतलब जो अच्छे तरीके से सोल्डिंग होना चाहिए टाइट, ठीक है। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जिस जो स्विच हमने लगाया हुआ है दूसरे टर्मिनल पर जो होल्डर में से कनेक्शन गया हुआ है, देख सकते हो मैं आप लोग को देख लगा सारे सोल्डिंग कर रहा हूँ, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो 220 वोल्ट इसमें डायरेक्ट इनपुट होता है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं आता है बनाना तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सीरीज लैंप तो यहाँ पर देख लो बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट टर्मिनल को जो है सोल्डिंग कर देना होगा। यहाँ पर देख मैं आप लोग को दिखला दे रहा हूँ, दिखला कर टोटल चीज़ मैंने सोल्डिंग किया हुआ है, ठीक है। बस एक यही 2 टर्मिनल जो था वो हमने नहीं दिखलाया था, बाकी आप लोग को सारे जो है दिखला कर ही सोल्डिंग किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ 220 वोल्ट पर, तो देख सकते हो ग्लो कर रहा है। तो चलो अब इसको पूरा तरीके से चेक होकर सीरीज लैंप भी चेक कर लेंगे कि क्या काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने प्रॉपर पैक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 220 वोल्ट हमने इनपुट भी दे दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग वो यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो है टर्मिनल हम लोग चेक कर लेते हैं सीरीज वाला, तो देख सकते हो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस दोनों इन जो स्विच के साइड में है उसको मत टच करना क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है, वो किसी और चीज़ के चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है सीरीज लैंप को जो है ट्रांसफार्मर बनाने या पंखा रिपेयरिंग करने आदि मतलब बहुत चीज़ों के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।